रात में जो पॉटी आएंगी तगड़ी पॉटी। जस्टिन बीबर इस मेरी वीडियो देख रहा तो प्लीज लाइक कर देना। Hey, what's up guys? Go Bobby here. Today I'm back with another video. Like मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं back को back मत बोला करिए। तो so hey everyone, it's Go Bobby here. Today I'm back with another video. So guys, today I'll be doing I only ate Hollywood stars favorite food for 24 hours. So if you are new to my channel, then please make sure that you subscribe my channel and press the bell icon for never missing my updates. So गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जगी हुई हूँ और मॉर्निंग का हो रहा है 11 o'clock। तो मैंने सोचा कि करते ही 24 आवर्स चैलेंज। पहले नंबर पे खाऊंगी जूलिया रॉबर्ट्स का फेवरेट फूड। तो मैं अभी गई और अभी पास्ता बनाकर लेकर आ रही हूँ। जूलिया रॉबर्ट्स देख रहे हो आप तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। उन्हें पास्ता बहुत पसंद है। This is so good. नेक्स्ट मैं जो खाने वाली हूँ वो मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर का फेवरेट फूड है जिसे अरेबिक डिश पसंद है तो वो मैं खाऊं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग खाएंगे हॉलीवुड एक्टर माइकल मोरोन। आई गेस मिशेल मोरोन और माइकल मोरोन। 2000 years उनको क्या आई गेस उनका नाम माइकल मोरोन है या मिशेल मोरोन है वो जो मसीहो है नहीं बताऊंगी उसके बारे में ज्यादा। तो अब मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ आगे की वीडियो। मैंने अपनी क्लास कर ली है तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट हॉलीवुड स्टार के फेवरेट फूड के साथ और वो मेरा थोड़ा सा फेवरेट है। चलो मिलते हैं बाय। तो मैंने बनाया है ये हम्मस आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। अभी मैं देती हूँ पहले इसका सिनेमैटिक शॉट एंड ये है फेवरेट हमारे मेरा मेरा फेवरेट एक्टर है वो मिशेल मोरोन का फेवरेट डिश हम्मस। और आई गेस ये हम्मस जो है वो अरेबिक पॉपुलर डिश है तो अगर इफ रॉन्ग हूँ तो मेरे को करेक्ट करो आप लोग ठीक है। ये लिया हमने हम्मस ये हमने लगाया ब्रेड पे ये हमने खाया। तो गाइस इसकी खास बात ये है कि ये चिकपीस से बनता है और इसे हम वेजिटेरियन या मतलब हम क्या सारी कुछ भी जो भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन वाले लोग हैं कट ओके। तो ये अरेबिक डिश है और जो भी वेजिटेरियन वाले लोग हैं वो भी इसको घर पे बना सकते हैं। चिक पीस में यूज़ होता है और अगर रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे तो मैं वहाँ पे आपको रेसिपी बताऊँगी।
मैंने बनाया है ये। नेक्स्ट हम लोग खाएंगे मैकडॉनल्ड्स जो कि है एंजेलिना जोरी का फेवरेट, तो वो हम खाएंगे लंच में। तो मैंने अभी मैकडॉनल्ड्स से पार करा लिए है, तो अभी मैं खाऊंगी इसको 2 बजे अपने लंच के वापस से। तो देखो मैं बस जा ही रही हूँ। ओके गाइस, तो अभी बज रहे हैं 2:20, तो अभी जो मैं खाऊंगी वो मैं खाऊंगी हॉलीवुड स्टार का फेवरेट फूड जो है वो है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, या मैकडॉनल्ड्स जो भी कह लो। एंजेलिना जोली को बर्गर बहुत पसंद है मैकडॉनल्ड्स का, तो हम लोग खाते हैं मैकडॉनल्ड्स बर्गर फिर मैकडॉनल्ड्स की। गाइस मैं बहुत पसंद है ये। किस किस को टमाटर अपने बर्गर में नहीं पसंद है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे को ऐसे स्वाद लेके खाना बहुत बहुत ही रेयर नसीब होता है। मोस्टली मैं चैलेंजेस वीडियोस करती हूँ, उसमें तो हमको कुछ खाना नहीं होता, उसको तो हमें जल्दी जल्दी खाना होता है, जल्दी जल्दी ना टेस्ट पता चलता है ना कुछ। तो अभी मैं टेस्ट ले लेकर खा रही हूँ फाइनली। चीज़ अब मिलते हैं शाम के 4:30 बजे, वो भी जेनिफर लॉरेंस का कुछ स्पेशल खाने के लिए। चलो गाइस बाय, मिलते हैं 4:30 बजे। ओके गाइस, तो अभी मैं लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा और डोरिटोस। तो पिज़्ज़ा और डोरिटोस जो फेवरेट है वो है जेनिफर लॉरेंस का, तो अभी मैं खाऊंगी लंच में ही। आई डोंट नो यार, ये हॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस ये लोग ऐसा खाना पूरे टाइम खा कर पचाते कैसे हैं? मतलब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग चावल खाने से पहले हमको रोटी खाना ज़रूरी होता है, वरना चावल हमारे पेट में गड़ता है एज पर मम्मी की एडवाइस। तो अभी मैं ये बोल कर आऊँ पहले मैं ये डोरिटोस ट्राई करूंगी, क्योंकि डोरिटोस उनका ज्यादा कुछ फेवरेट है। तो नाचोस होता है। तो अभी हम लोग जल्दी से खा लेंगे ये पिज्जा। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग मेरे को ये कमेंट सेक्शन में तो पूछेंगे कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से, आइडिया आया कहाँ से ये हॉलीवुड बॉलीवुड। ओ सॉरी, मैंने तो आपको सीक्रेट बता दिया अपना। तो ये आइडिया मेरे को एक्चुअली ऐसे आया क्योंकि सब लोग जो है वो आई एट ओनली पिज़्ज़ा फॉर 24 आवर्स, पिज़्ज़ा, KFC, स्पाइसी फूड, स्वीट फूड, इंडियन डेजर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर 24 आवर्स, लेटिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी डिसाइड व्हाट टू ईट फॉर 24 आवर्स। तो क्यों ना मैं भी कुछ ऐसे ही बना दूँ, आई ओनली एट हॉलीवुड स्टार फेवरेट फूड फॉर 24 आवर्स, क्यों ना मैं कुछ ऐसा बना दूँ। स्वैग है अपना भी कंटेंट ब्रो।
नहीं चला तो कोई बात नहीं, हमारी पोपट पोपट क्या, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी, राइट। ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, ओह माय गॉड, इट्स लुकिंग सो डिलीशियस। कोई कहेगा 50 रुपए का है? नहीं कहेगा कोई, मैं बता देती हूँ 50 रुपए का है। जेनिफर लॉरेंस क्या ये $18 $20 ऐसे कुछ मिलेगा। कभी सोच जाए जेनिफर लॉरेंस भी ऐसे जहाँ पे भी वो रहती हैं, मतलब ऑब्वियसली इंडिया के बाहर ही रहती हूँ, वहाँ पे वो ऐसे बैठ के बीच में ऐसे बैठ के नाटो के डोल्टो खा रही हूँ, कोई सोच सकता है। अभी मुझे जिम भी जाना है, वाओ। अब हम लोग खा चुके हैं ये जेनिफर लॉरेंस का फेवरेट फूड, अब खाएंगे हम लोग ब्रैड पिट का फेवरेट फूड, वो जो कि खाऊंगी मैं प्री वर्कआउट मील, एज अ प्री वर्कआउट मील। तो टिल देन मैं शावर ले लेती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने शावर ले लिया है और अब मैं खाऊंगी ब्रैड पिट का, लाइक ब्रैड पिट का मोस्ट फेमस, लाइक जिम के पहले मैं यही खा सकती हूँ। तो मैं खाऊंगी ओट्स, उसमें रेजिन्स मिले हुए होंगे और एग। ब्रैड पिट को कुछ ज्यादा ही पसंद है, ब्रैड पिट आई डोंट नो, तो मैं खाऊंगी ये। और वो प्रोटीन शेक की जगह एग भी ले सकता है, लेते हैं, मुझसे बड़े हैं तो उनका आदर करना चाहिए, और वो एग की जगह प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं, लेते हैं, बट मेरे पास प्रोटीन शेक है नहीं, मैं प्रोटीन शेक यूज नहीं करती। तो अभी खाते हैं हम लोग ओट्स। ओके, तो अभी पता चला है कि हमारी जिम बंद है, तो हम घर पर ही वर्कआउट करेंगे। और ये मेरा लॉकडाउन के बाद ये पहला दिन था जिम जाने का, और उसमें ही आज बंद ही है जिम। ऑल राइट गाइस, तो मैं अपना ये जिम का वर्कआउट मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने कार्डियो किया है। तो क्योंकि मेरा ये लॉकडाउन के बाद पहला दिन था, तो मैं सोच रही थी कुछ ज़्यादा हैवी नहीं करते हैं, तो मैंने कार्डियो करके कंप्लीट कर दिया इसको। और
अब हम जाएंगे जस्टिन बीबर का फेवरेट फूड खाने, वो भी अभी जाएंगे 8:30 बजे या 9 बजे करीब, या 8:30 बजे जाकर 9 बजे खा लेंगे उसको, देन डिनर करेंगे बाहर। वो भी सीक्रेट है, अभी वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा आगे चल के। तो आज है मम्मी का बर्थडे, तो हम लोग लेंगे मम्मी के लिए केक, और हमने मम्मी के लिए ये वाला केक ऑर्डर करा है। तो अभी हम लोग करेंगे मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट, मिलते हैं डिनर पे। ओके गाइस, तो 9 बजने को है, तो हम जा रहे हैं चिकन टिक्का, लाइक जस्टिन बीबर का फेवरेट फूड खाने, और वो हम जाएंगे बिल्लू तंदूरिया पे। सो चलते हैं अपना डिनर करने के लिए। मैंने मम्मी का केक, सारी भीड़ है तो कॉमन सी बात है, यहाँ का चिकन भी बहुत टेस्टी होता हो। मेरी स्वीटी को पता ही नहीं कि बिल्लू तंदूरिया कहाँ है। कैमरा मैन अनामिका वर्मा के साथ। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे चिकन टिक्का, जस्टिन बीबर का फेवरेट फूड। पूरी चिकन कर दीजिए। क्या नाम है मेरा? बॉबी। चलो तो हम अभी यहाँ पे खाएंगे चिकन, ठीक है। तो यहाँ के लोग देख रहे थे हम लोगों को पीछे से कि यहाँ पे आकर ये बिल्लू तंदूरिया कैसे खा सकते हैं बन मक्खन चाय पे आकर। एक्चुअली उधर हम लोग नहीं खा सकते थे, उधर साइड बहुत ज़्यादा ही लोग थे, पब्लिक ज़्यादा थी। तो अभी हम खाते हैं दिस जस्टिन बीबर फेवरेट तंदूरी चिकन। चाट मसाले की थोड़ी कमी है, वरना जस्टिन बीबर जी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गेम ओवर। वरना स्वाद पूरे आ रहे हैं भाई साहब। हमने प्याज मैं इसको कवर नहीं करूंगी, मैं इसको कवर करो यार। चाहिए चिकन टिक्का? ठीक है मैम, आई विल बी होम एट 11:00। बाकी मेंटर जो था वैसे नहीं चलेगा, कैमरामैन बेचारा भूखा रहेगा। वेरी टेस्टी हां, जस्टिन बीबर इफ मेरी वीडियो देख रहा तो प्लीज लाइक कर देना। देखो कितना आपको मैं चाहती हूँ दिल से। दैट आई एम कवरिंग अ फूड व्हिच यू लाइक। कार वाले भैया से कह दो कि लाइट थोड़ा फोकस डाल दें तुम्हारे ऊपर। थोड़ी सी शक्ल तो देखो, या पिच्छू की। सुपर टेस्टी, यम 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 यम। अगर आप देख रहे हो तो डिनर आपका मैं कर रही हूँ टैकोस। आपको मेक्सिकन फूड बहुत पसंद है तो मैं टैकोस खाने आई हूँ डोमिनोज पिज़्ज़ा में। चलो
2000 years later. Okay, तो अभी हम लोग करेंगे सबसे पहले हैंड सैनिटाइज. और पता है आपको, दिल्ली में एक लोगों ने अपने पिज्जा पे ये सैनिटाइजर सोचा कि वो है सॉस वगैरह, तो उसमें बेचारे ने अपने पिज्जा में ही डाल लिया. वाह, यह न्यूज़ पता चली मुझे. तो अब हम खाएंगे एम्मा वाटसन का फेवरेट टैकोस डिनर में. चलो, ये रहा, एक उठाते हैं. वाह 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 वाह, बहुत गर्म हुआ है. गर्म तो है ही. खा लेते, जब खाई लेते. और जैसे कि उन्होंने मेरे को बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज करके दिया है ये टैकोस, हुआ ये था कि थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो इन्होंने मुझे ये गार्लिक ब्रेड स्टिक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री में दिया है. थोड़ी सी बहस हो गई थी क्योंकि हम लोग कैमरा लेकर शूट कर रहे थे और वो बीच में आ गया. उन्होंने कहा कि वीडियो डिलीट करिए, ये वो. उन्होंने भी समझाया, हमने भी उन्हें समझाया, तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया वीडियो बनाने के लिए. ओह, रात में जो पॉटी आएगी तगड़ी पॉटी. नहीं नहीं, हम तो ये सुबह रोटी बासी उठा के उसमें जैम लगा के पूरा टैकोस बना लेते हैं. उसमें थोड़ा आलू टिक्की लगा के टैकोस बना के सुबह में खाया जाता है. हमारे यहाँ से खाया जाता है, टैकोस टैकोस नहीं होता. डिनर में हम जब तक की राइस रोटी सब्जी ना खा ले तब तक की वहाँ पेट नहीं भरता. मैं बहुत कायदे का ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, मैं हाँ मैं खाऊंगी. देखो ये सब यार, ये कहाँ यार, अपने इंडिया में तो खाया जाता है, मैं तो खाऊंगी घर का खाना. मेरे से नहीं वैसे एक घंटे के बाद तो खत्म ही हो जाएगा. 24x7 आवर चैलेंज मेरे को बहुत मस्त लगा इस बार का. मैं ऐसे तब तक वेट करो मेरे दूसरे चैलेंज का. So guys, yeah, hope you all guys enjoy this video. If you guys really enjoy this video, then please make a thumbs up and also subscribe my channel. And if you haven't subscribed my channel yet, then go and check it out. My all videos links are given in the description box. Do follow me on Instagram, foodie.bobby. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, I only ate Hollywood stars favorite food 24 hours challenge, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये अच्छा लगा है कि नहीं अच्छा लगा है. और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं, तब तक के लिए बाय बाय. लेकिन सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब कर प्लीज कर दो ना. अरे यार वीडियो बन गई क्या? डियर मम्मी सबको खिला दो इधर, ऐसे कैमरे की तरफ ऊपर. बलवीर ही है, इंडियंस को यही रहता है. इंडियंस को यही रहता है पहले कि बन भी रही है.